everyone and welcome back to my channel. Guys, welcome to my new vlog, welcome back to my channel. और अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के बज चुके हैं 11:15, मतलब अभी 11 बजने वाली है और मैं अभी नहाई नहीं हूँ इसलिए मेरा ऐसा थोड़ा दिख रहा है। अभी मैं नहा के आऊँगी और आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि है, सब लोग व्रत करते हैं और फिर साबुदानी की खिचड़ी भी खाते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे। आज मैंने भी व्रत रखा है लेकिन मुझे सब गोल गोल घुमा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था कि मतलब मैं व्रत कितनी देर रख सकती हूँ, ये सभी वो सोच रहे हैं। मैं तो रख सकती हूँ व्रत, फिर भी मुझे बोल रहे हैं कि ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। अब एक जना बोल रहा है कि खा सकते और एक जना बोल रहा है कि नहीं खा सकते। तो आप बताना कमेंट्स में कि खा सकते कि नहीं। कल ही फिर सबका रिमांड लेंगे। तो चलो मैं नहा के मिलती हूँ सीधा, और निशु भी नहा रही है, हम दोनों नहा के मिलते हैं आपसे। तब तक खेल गए। अभी मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी और अभी मैं दिखाती हूँ खुद का लुक। तो मेरा वैसे भी बहुत सिंपल है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे मैंने येलो कलर की साड़ी पहन ली है, मस्त। और मम्मा अभी अपनी स्किन केयर कर रही है और बाल सुखा रही है। और जो कि आंटी तो सुबह सुबह ही नहा लेती हैं, वो तो पहले ही नहा लेती हैं, तो उनका लुक दिखा देती हूँ। ये है ज्योति आंटी की साड़ी और सबसे पहले ज्योति आंटी रेडी हुई है, तो ज्योति आंटी अच्छी लग रही है ज़्यादा। और उधर चलते हैं तो मेरा निक्की आंटी का लुक, निक्की आंटी की रेड साड़ी है। बहुत सारे लोग जो है वो आजकल येलो पहनते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि पर येलो सबसे अच्छा कलर होता है, लेकिन कुछ रेड भी पहन सकते हैं, मतलब रेड और येलो मोस्टली। बट मैंने कुछ नहीं पहना, मैंने नॉर्मली ब्लू पहन लिया। अभी इतना रेडी नहीं होना था ना मुझे, इसलिए अभी मम्मा ने बाल सुलझाना शुरू कर दिया। हाँ है ना, अभी निकाल। वैसे चंद्रमाई मिल जाता है अपने मंदिर पे रखे हुए, बहुत सारे रखते हैं, वहाँ दीपक बुला हुआ तो है या फिर भी। हाँ वो अपना अपना होता है। और अभी मैं दिखाती हूँ निशु का लुक। निशु सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है सब में से। ये पहनी है निशु ने फ्रॉक एंड यू कैन सी कि कितनी क्यूट लग रही है ये। और ये देखो मेरा चड्ढा, इसका नाम क्या है? इसका नाम वो ईयरबड नहीं, कुछ तो है इसका नाम, एंग्री बर्ड। हाँ एंग्री बर्ड। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस, हाय गाइस, अभी गाइस, अभी अभी या पे आओ। निशु चलो सो जाओ। हाय गाइस बोल दो। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय व्लॉग, सो जाओ ना। और वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय व्लॉग। वी अराइव्ड इन मंदिर एंड यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स के तिलक भी लगा लिए हैं, हमने जल भी चढ़ा लिया है, पूजा भी कर ली है, एवरीथिंग इज ओके। और अभी जो है मैं बच्चों का माहौल दिखा देती हूँ और यहाँ पर हम थोड़ी सी रील्स भी शूट करेंगे, तो आप देख लेना इंस्टाग्राम पे मेरी दोनों आईडीज। तो अब दिखाती हूँ मैं निशु का हाल। ये हैरी है, ये है और ये निशु है। गाना हाय गाइस, इस वाले पे चलते हैं। हैरी रुको, मेरे को भी आने दो। आई ऑल्सो वांट टू कम। रुको रुको रुको, अभी झूल लेना, झूलना नहीं आता आपको, उतरो हटो। रुक गए। तो चलो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा घर पे और आप रील्स देख लेना। वैसे तो ब्लॉग कल अपलोड होगा बट फिर भी आप देख ही लोगे ना, लकी। चलो सो गाइज, ये हैं छोटे से शिव जी। मंदिर अलग था पर मंदिर में बहुत सारे लोग थे, तो मैंने सोचा छोटे से शिव जी के पास आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैंने फुल जल चढ़ा दिया है, लेकिन मुझे हंसी ज़्यादा आ रही थी बिकॉज मेरे लंबे बाल, और इस वक्त शिव जी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत। मेरे को यहाँ पे एक डॉगी मिला है जो कि बहुत प्यारा है, ब्लैक कलर में है, और उसकी ब्रीड तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ उसके पास। ये है, ये रहा दीदी के पास जो है ना, ये वाला है, इसका नाम सिम्बा है। एक्चुअली में जितने भी डॉग होते हैं ना, उन सभी का नाम सिम्बा होता है। गुड बॉय, सिट सिट। अरे अच्छा सिट सिट सिट, आ जाओ। अरे गना रुको, वो डर है, डर है। अरे मुझे भी तो दिखाओ कोई व्लॉग में। इसकी ब्रीड क्या है? हाँ वैसे वैसे लग रहा था थोड़ा सा मेरे। क्यों लैब्रा और जर्मन शेफर्ड मेरे को पसंद है दोनों। चलो आपने तो प्यारी नहीं की, करना है कर लो, करना है तो आओ, नहीं खाएगा, आ जाओ। एक नाम फिर गए इसके पास, डॉगी के पास। जाओ मेरे पास बैठो बैठो इधर, वो कुछ नहीं कहेगा, आओ इधर आ जाओ। कौन है? अरे वाह, उधर आए वो भी, आओ इधर आओ मेरे पास, इधर वही तो मिलने आए हैं आपसे यार, ऐसे क्या? बैठो नीचे बैठो, हाँ गुड बॉय सेट, अच्छा सेट सेट सेट, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो, हाँ हैंडशेक करो, पहले रुको हैंडशेक करो, हैंडशेक करो, इधर देखो इसको नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, इधर आओ आप बोलो, इधर आओ इधर सिम्बा, यही सिम्बा क्यों देता कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ खेलेंगे अभी, खेलेंगे खेलेंगे, दूंगी बॉल दूंगी, आओ इधर आओ, वो रस्सी अटक, वो देखो गिलहरियां भी उचक के जा रही है। अरे यार आ जाओगे ना, चले क्यों? झूला, हाँ झूला, चलो बाय सिम्बा, बाय गना आ जाओ, दीदी जा रही है, आ जाओ गना। सिम्बा इतना प्यारा था ना, मेरे को लैब्राडॉग बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है ना, मतलब 2 मिनट तक तो नॉर्मल रहा था, फिर 5 मिनट तक ये थोड़ा सा डर रहा था, और उसके बाद ही मेरा फ्रेंड बन गया जो मेरी गोदी में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब दीदी ने बोल दिया था कि प्यारी कर लो, तो मैं उसको खेल रही थी, लेकिन मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये घास ज़्यादा खा रहा था जो संभालना मुश्किल हो गया, पता नहीं इसको घास पसंद हो गया आई थिंक, दैट्स व्हाई, एंड ही इज़ सो क्यूट। अब तो ये गोदी में आ गया, अब तो ये पक्का से पक्का फ्रेंड बन गया। अभी दोबारा आएगा तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी दोबारा ब्लॉग में, वरना तो ये ऐसे ही घूम रहा था। लेकिन है ना, छोटे छोटे डॉगी जो होते हैं ना, उनको मतलब अच्छा लगता है उनको गोदी में लेना, डिफरेंट ही होता है, वो कुछ और ही होता है। मतलब छोटे छोटे डॉगी होते हैं ना, उनको ऐसे साथ में ले लेते हैं ना। और ये पूँछ भी हिला रहा था, जो डॉगी पूँछ हिलाता है ना, वो अपना फ्रेंड ज़्यादा होता है। So guys, अभी हम कर रहे हैं लंच, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा फास्ट है, तो पापा कर रहे हैं, पापा के हैं खिचड़ी और सब्जी। पापा को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है उल्टा, और हम यहाँ पे देख रहे हैं ध्रुवतारा, जो कि बहुत मजा आ रहा है। अभी हम आ चुके थे पार्क से, मतलब दिन में ही आ चुके थे, और अभी 7 बज चुकी है, और व्रत में थोड़ा सा भूख भी लगती है ना, तो मैंने कुछ फ्रूट्स खा लिए, एप्पल और ये सब, और मैंने फिर साथ में थोड़े से नमकीन भी खा लिए थे। और यहाँ पे जो है मम्मा मस्त वाली साबुदानी खिचड़ी बना रही है, यहाँ पे आलू की सब्जी बनाई है। यहाँ पे तो ये अच्छा, यहाँ पे ये मम्मा की तैयारी चल रही है। और गाइस निक्की आंटी का किचन का माहौल आपको मैं बाद में दिखा दूंगी। नीशू भी अभी उधर ही है, बस हम ऐसे ही डोल रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा सा फ़ोन देखा, फिर मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और MSc का पेपर है, तो उसके 5 चैप्टर तो मुझे याद हो गए, लेकिन अब बात आती है कि मदर टेरेसा के ऊपर 5 लाइन लिखो, इन सबके ऊपर 5 लाइन लिखो, तो वो तीनों चीज़ मुझे याद करनी है। जंबल वर्ड आते हैं ना, तो जंबल वर्ड हार्ड वर्ड्स में से आते हैं, आपके भी आते हैं, आप भी बताना, जो बच्चे हैं वो देखते हैं मेरा ब्लॉग को बताना। और जब भी मम्मा खाना तैयार कर लेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अभी मम्मा ने अपनी साड़ी भी चेंज कर ली है, आ गई मम्मा अपने पे। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं डिनर, और व्रत खोल लिया हमने। मम्मा ने जो आलू की सब्जी बनाई है ना, वो बहुत टेस्टी है, साथ में दही भी है। आप बताना आपके खा रहे हो इस समय घर पर, ये खा रहे हो। मोस्ट टेस्टी पार्ट इज खिचड़ी, मोस्ट। So guys, अभी हो चुकी है रात, और रात के बज चुके 10:30। और गाइज आज बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आज शिवरात्रि थी, और मज़ा भी इसलिए आया क्योंकि हमने डॉगी से भी मिले। मतलब वो डॉगी इतना क्यूट था ना, इतना क्यूट ना कि क्या बताऊँ आपको। एनिमल्स तो बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है कमेंट्स में बताना। और अभी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ डिनर, वैसे तो दिखा दिया था। ये है आलू की सब्जी, वो रियल वाली आलू की सब्जी, ये चपाती। अरे मतलब रियल मतलब ये जो नमक मिर्ची के साथ बनाते हैं, और ये जो विदाउट व्रत के साथ बनाते हैं, ये विदाउट व्रत बनाते हैं, तो ये दोनों टाइप की आलू वाली सब्जी है। यहाँ पे बन रहा है। पापा बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उसी चक्कर में वो 10:30 बजे खाना खा रहे हैं और हमने तो बहुत पहले ही खाना खा लिया था, मतलब हमारा तो व्रत खोल लिया था ना, दैट्स वाई। और अभी जो हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैंने थोड़ी सी की थी, क्योंकि क्या मेरे को MSc पहले से याद थी और कोर्स से बहुत छोटा था, तो 5 चैप्टर यूँ के यूँ याद हो गए। 3 तो पहले से आए हुए थे टर्म 2 में, 2 नए थे वो भी छोटे छोटे थे, तो मेरा सब कुछ लर्निंग कंप्लीट हो गई। और अब संस्कृत कंप्यूटर का भी हो जाएगा, तो कल होगा, आज तो नहीं हो पाएगा बस ऑफ ही देना ना, दैट्स वाई। ओके सो अभी मैं वहाँ पे रोने गई थी, क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सी बार आपको बताया कि मैं लिप्स पे ये लगा लूँ, लेकिन रियल वाला स्किन केयर बताते जो कि दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं किया होगा। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है, वैसलीन। इट्स माई फेवरेट। ओके वैसलीन है, ठीक है, स्किन प्रोटेक्टिंग जेली प्लस ऑरिजिनल जेली है, सच में जेली। आई एम रियली टेल यू कि मैं इस चीज़ को 5 बार कर चुकी हूँ कांच में तरह हुए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आई कांट टेल यू रियली, आई कांट टेल यू। देन सेकंड थिंग, इसकी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि ये सब स्किन के मतलब ये जो करती है ना, वैसलीन बोरोप्लस लगा के फिर ये लगाती है, सो डोंट डू इट। वैसलीन लगाई, उसके ऊपर ये लगाना। और गाइस मुझसे ना बहुत सारे लोग ये नहीं पूछते कि मेरी फेवरेट लिप बाम कौन सी, तो मेरी ये है हिलैरी रोडा 6 आवर्स कंटिन्यूस। मैंने तो उसको खा जाऊँ। गाइस आई रियली टेल यू, मुझे मामा की येलो वाली टर्मरिक वाली लिप बाम पसंद है, लेकिन मैं अभी ये वाली यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं भी छोटी हूँ ना। एंड यू कैन सी कितना नेचुरल लगता है, कितना प्लम्पी लगता है यार, इट्स माई बेस्ट लिप बाम। देन थर्ड थिंग आती है बोरोप्लस, एंड ऑलमोस्ट 3rd क्रीम चल रही है मेरी, बहुत ख़त्म हो चुकी है, फिर भी इसमें ताकत है। क्रीम की तरह से लगाते हैं लिप बाम का टेक्सचर। अब इससे ज़्यादा पिंक भी नहीं दिखता क्योंकि वाइट कर देता है, और वाइट होने से ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। हेलो ओके एंड लास्ट थिंग कि आपने ये तीनों चीज़ें कर ली ना, अगर आपने 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए ना, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लिप ऑयल। लिप ऑयल आप जानते हैं, मैं पागल, मैं नहीं गिरा रही, आप मत गिरा देना, करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ओके सो ऑयली, जो सो ऑयली और ये नहीं है कि मैं अपने लिप्स को निला रही हूँ, क्लीन ही करना है। खड़ी खड़ी क्या मुझे देख रहे हो, इन चारों प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। ये तो आपके गाँव में ऑरिजिनल मिल जाएगा, ये आपको मीशो से मिल जाएगा, ये आप किसी स्टोर से खरीद के ला सकते हो, किराना पे भी, और ये तो आप जानते ही हो। एंड इन चारों चीज़ों में से मेरी सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कि फेवरेट है, वो है एक इलायची गोड़ा की लिप बाम जो कि बहुत ज़्यादा टेक्स्चर करती है, और लास्ट स्टेप मतलब आप है ना, आप इन 3 चीज़ों को भी यूज़ नहीं करोगे ना तो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सबके लिए बेस्ट है। फिर भी आपके पास ये चारों चीज़ें नहीं है तो यही काफ़ी है, और ये भी नहीं है ना तो भाई फिर यही काफ़ी है। और बोरोप्लस तो सिर्फ टेक्सचर नेचुरलिटी के लिए लगाती हूँ, मैंने तो बोरोप्लस भी मेरे लिए कोई काम की नहीं है। ओनली दिस 3 प्रोडक्ट्स एंड इट्स नॉट फॉर अवर गर्ल्स, इट्स ऑल्सो फॉर अवर बॉयज। हाँ लिप बाम मत लगाना, लेकिन वैसलीन ज़रूर लगा सकते हो, बोरोप्लस लगाते हो, एंटीसेप्टिक क्रीम, ऑयल, तो ये सभी आपके लिप्स को इतना हाइड्रेट करता है, इतना पिलग्रिम कर देता है। ये जो फटा हुआ है ना, ये किसी से बातें भी करना ना तो भी टेक्सचर लोगों को नजर आएगा, बस नज़र मत लगवा लेना। आई एम सो हैप्पी। और ये चीज़ मैंने यूट्यूब से नहीं सीखी, मैंने खुद से सीखी है। आई लाइक दैट यार, जब मैंने खुद से सीखी है तो मेरे लिए कौन सब्सक्राइबर बने आप लोग, तो मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे को अच्छी बात बतानी होगी ना, तो यही चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। ये हंसी मत लाना, हंसना मत की बहुत भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या लिप बाम गर्ल्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो आप 3 प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ के भी ऑप्शन ही पड़ते हैं। नेक्स्ट बाय। बहुत हुआ ज्ञान, बहुत हुई स्कीम की है। आई होप यू एंजॉय माय व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कर दो ना सब्सक्राइब।